गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाजार पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोहन राकेश का जीवन परिचय। ठीक है, तो गाइस चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है, इनकी डेट भी ध्यान रखनी है आपको, 1925 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में। इनके पिता का नाम था श्री करमचंद्र गुगलानी। ठीक है, इनके पिता का पूरा नाम श्री करमचंद्र गुगलानी, जो पेशे से एक वकील थे और परंतु साहित्य और संगीत में विशेष रुचि रखते थे। ठीक है, पूरा नाम इनके जो पिता थे, इनका पूरा नाम था मदन मोहन मुगलानी, शिक्षा एवं काव्य। ठीक है, मोहन राकेश ने जो था, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, और जीविकोपार्जन के लिए अध्ययन कार्य में लग गए। ठीक है, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश एक ऐसे साहित्यकार थे जिसकी कलम कल्पना और हकीकत के बीच की दुनिया मिटा देती हैं। ठीक है, मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार थे। आगे देखिएगा, मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो ये रहे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, ये एकांकी हैं इनकी। ठीक है, सिपाही की माँ, ये भी एकांकी हैं, और प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। तो गाइज, बस इतना ही था इनके जीवन परिचय में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।